बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हैरफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखने नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत बला और तकलीफ से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज मरियम किचन में हम बनाएंगे बगलावा। बगलावा बनाने के लिए व्यूअर्स यहाँ पे हमने रेडीमेड जो है कि फिलो डोली है, क्योंकि हमने इसके साथ आपकी अभी रेसिपी शेयर नहीं की, बहुत जल्द इंशाल्लाह इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ये आपको किसी भी मार्केट से, सुपरमार्केट से बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो बगलावा बनाने के लिए बहुत सिंपल सी इंग्रेडिएंट है। यहाँ पे हमने लिए हैं तकरीबन 1.5 कप पानी और 2 कप शुगर। यहाँ सबसे पहले बगलावे के लिए हम शीरा तैयार करेंगे। जैसा कि हमने बताया यहाँ पे 1.5 कप पानी का डाला है, और कप जो हमने इस्तेमाल किया है वो आम रेगुलर रूटीन में हम जो चाय वाला इस्तेमाल करते हैं वही हमने लिया है। तो 1.5 कप पानी का है और हम इसमें डालेंगे 2 कप शुगर। ये 1 कप हो गया, 1 कप शुगर का हम डाल चुके हैं और अभी हम 2 कप डालेंगे। और फिर साथ ही हम इसमें लेमन का एक स्लाइस डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे 1 टीस्पून जो है गुलाब अर्क का पानी, रोज़ वाटर, ये हम डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे और इसका अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इसका शीरा अच्छे तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे शीरा बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है और यहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे फ्रेम हमने मीडियम टू हाई ही रखना है, स्लो नहीं रखना, मीडियम से थोड़ा तेज़ और हाई से थोड़ा सा लो, और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करते जाना है। यहाँ पे शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम फ्रेम यहाँ पे कर देंगे बंद। यहाँ पे अब हम बगलावे को सेटअप करने लगे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ड्राई फ्रूट को पीस के रख लिया है, पिस्ता, बादाम और अखरोट। यहाँ पे हमने बटर लिया है 100 ग्राम, उसको हमने माइक्रोवेव में अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। व्यूअर्स यहाँ पे हमारे पास डो है बगलावे की और यहाँ पे हमारे पास मोल्ड है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे शीट के ऊपर और इस साइज का हम जो है वो शीट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी एक साइड जो है वो कटिंग कर ली है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से, और अब हम यहाँ पे दूसरी साइड की कटिंग करते हैं। बड़े ही नाजुक हाथों से आपने इसकी कटिंग करनी है और बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है, टेढ़ी मेढ़ी कटिंग नहीं करनी। और ये मार्शल से हमने मोल्ड के साइज का शीट को काट, एक्स्ट्रा शीट है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और ये हम इस्तेमाल में लाएंगे नेक्स्ट टाइम। और ये आप देख सकते हैं कि मोल्ड के साइज का हमने शीट को है काट लिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम आपको बताते जाएं कि ये बगलावे की जो शीट है ये हमारे पास 14 लेयर्स हैं और हम 7 लेयर्स के बाद इसको बादाम और पिस्ते से डेकोरेट करेंगे। और चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमारे पास जो मोल्ड है उसको हमने अच्छे तरीके से बटर से चारों तरफ से मिक्स कर लिया है, लगा लिया है, और बटर हमारे पास जो है वो अनसाल्टेड है। यहाँ पे हम पहली शीट जो है वो लगा चुके हैं, अब हम लेंगे दूसरी शीट। इसको भी मोल्ड के ऊपर लगाएंगे। 2 शीट को लगाने के बाद फिर हम हर सिंगल शीट के ऊपर बटर की लेयर जो है कि वो लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर बटर को चारों तरफ से लगाएंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स बटर आप ज्यादा भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम उतना ही लगाएंगे जितनी की जरूरत है। टू मच बटर भी जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चारों तरफ से बटर को हम अच्छी तरह से लगा लेंगे। लेयर लगाने के बाद अभी हम तीसरी लेयर जो है लगा रहे हैं और इसके ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। हम इस तरह से 7 लेयर को कंप्लीट करेंगे। 2 लेयर्स हम लगा चुके हैं बटर के साथ, अब ये तीसरी है और 4 लेयर्स हमने और लगानी है। हर शीट के ऊपर हम बटर लगाएंगे चारों तरफ से। 6 लेयर हम लगा चुके हैं और उसके ऊपर बटर भी लगा चुके हैं। अब ये हमारी 7वीं लेयर है और इसके ऊपर भी हम अच्छे तरीके से बटर लगाएंगे। और बहुत अच्छी तरीके से आपने लेयर को सेट करनी है, क्योंकि लेयर बहुत नाजुक है तो टूट जाने का भी खतरा है, इसलिए बहुत एहतियात से आपने इसको पकड़ना है और मोल्ड के ऊपर रखना है, और बहुत नाजुक हाथों से आपने चारों तरफ से ऑयल इसके ऊपर लगाना है। व्यूअर्स यहाँ पे 7वीं लेयर जो है कम्प्लीट हो चुकी है, बटर लग चुका है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे बादाम अखरोट जो हमने पीस के रखे हुए थे। और व्यूअर्स ये भी आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप भर के डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हसबी ज़रूरत ही डालेंगे, लेकिन इतना डालेंगे कि चारों कोना अच्छी तरह से इसके भर जाएं, चारों तरफ आप अच्छी तरह से इसको फैला दें। और मेक श्योर बादाम और अखरोट आपने बहुत बारीक ही पीसे हैं,
जिस तरह से ये आप देख सकते हैं। देखते हैं कि बादाम और अखरोट से हमने बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से मोड को भर लिया। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, और पिस्ता भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पिस्ते को भी हम अच्छी तरीके से चारों तरफ फैला लेंगे। और पिस्ते को भी हमने बारीक बारीक ही काटना है, आप देख सकते हैं, पीसना है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि पिस्ते से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बादाम, पिस्ता और अखरोट हमने अच्छे तरीके से मोड पे लगा दिए हैं। अब हम दोबारा से ये प्रोसीजर फिर स्टार्ट करेंगे। हम पकड़ेंगे शीट बगलावे की। तो अब हम फिर दोबारा से बटर इसके ऊपर लगाएंगे और ये प्रोसीजर हम फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। 7 लेयर्स में हर सिंगल लेयर के ऊपर हम बटर लगाएंगे और चारों तरफ से अच्छी तरीके से बटर लगाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी 14 लेयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है विद बटर के साथ। और हम आपको यहाँ पे याद दिला देते हैं कि 7 लेयर्स के बाद हमने इसके ऊपर अखरोट, बादाम और पिस्ते डाले हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और कटिंग हम ऐसे करेंगे, पहले हम मिडल में से कट लगाएंगे इस तरह से। साइड से इस तरह से कटिंग करेंगे, मिडल में पर सबसे पहले कट लगाएंगे। और अब हम एक साइड से, राइट साइड से और अब हम एक लेफ्ट साइड से। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इक्वल कटिंग हुई है, कोई बड़ा छोटा पीस नहीं है, बिल्कुल जबरदस्त परफेक्ट इसकी कटिंग हुई है। अब कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम फिर एक दफ़ा बटर लगाएंगे, और अब ये जो टॉप पे बटर हमें लगाना है ये बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, बार बार के लगाना है, ताकि ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी और वेल्डन किस्म का तैयार हो। अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बटर लगाया है, मतलब एक्स्ट्रा बटर इसके ऊपर हमें लगाना है। और अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ओवन के अंदर बेक करेंगे, और ओवन का टेम्परेचर हम रखेंगे 360। बस यहाँ पे बगलावा हमारा बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है, और यहाँ पे हमने टाइम जो है कि टेम्परेचर 360 लगाया है, और ओवन में हम इसको लगाएंगे 25 से 30 मिनट तक। तो आपने अलार्म लगा देना है, क्योंकि आप कहीं भूल गया तो ये जल जाएगा। तो अब हम इसको रखते हैं ओवन के अंदर 25 से 30 मिनट तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से। यहाँ पे बगलावा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और हमने उसको ओवन से निकाल लिया, और तकरीबन ये पूरे एग्जैक्टली 30 मिनट के बाद रेडी हुआ है। तो व्यूज, अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले आए, और अब हमने जो शीरा बनाया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे, और हम अच्छी तरह से शीरा डालेंगे ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से शीरा जो है जज्ब हो जाए, अंदर तक जो है बगलावे की शीरा जो है चला जाए। व्यूज, यहाँ पे अब हमने बगलावे को पिस्ताशियों से अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से बगलावा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और व्यूअर्स माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बना है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। व्यूअर, इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरियम को भी दुआ में याद रखिएगा, इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह उसकी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।